हेलो गाइस, आज मैं आपको हुंडई की लाइट्स के हिडन फीचर के बारे में बताऊंगा जो हुंडई की सभी गाड़ियों में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वरना है SX ऑप्शनल 2015 मॉडल, इसमें ऑटो लाइट आती है। इसकी जो ऑटो लाइट है वो ऑटो लाइट डे नाइट सेंसर की मदद से चलती है, जो कि यहाँ पे है आप देख सकते हैं ये पीछे है गोल सा। इसको अगर कवर कर देंगे तो लाइट चल जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मेरे पास एक पेपर है, अगर मैं उसको कवर कर दूंगा तो लाइट अपने आप चल जाएगी। मैंने उसको कवर कर दिया, अभी देख और ये देखिए लाइट चल गई है। बाहर भी देख सकते हैं लोबी हाई बीम दोनों चलती है, हाई बीम लोबी। अगर मैं उसको हटा दूंगा तो वो बंद हो जाएगी लाइट। देखिए लाइट बंद हो गई है। ये तो ऑटो लाइट वाला फीचर और उसका सेंसर हो गया। अब मैं आपको इसका अगला हिडन फीचर बताऊंगा। इसकी ये जो डूम लाइट है, अगर हम इसको ऑन कर देंगे दोनों को, बाकी गाड़ियों में क्या होता है कि अगर हम इसको ऑन छोड़ देते हैं और गाड़ी को गाड़ी में से बाहर निकल जाते हैं तो ये चलती रहती है और गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाती है। अब अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम गाड़ी को लॉक कर देंगे, मेरे पास इसकी की है, लॉक कर दिया, अभी देखना कुछ ही देर के बाद बंद हो जाएगी, बंद हो गई है। अगर हम इसको ऑन भी करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑन नहीं होगी क्योंकि गाड़ी लॉक है। अगर हम इसको अनलॉक कर देंगे अपने आप ऑन हो गई है। ये हुंडई की सभी गाड़ियों में आती है और किसी गाड़ी का और किसी कंपनी की गाड़ी का तो पता नहीं है, पर हुंडई में ये ज़रूर आता है। नेक्स्ट फीचर है फॉलो मी होम लाइट, जो कि हुंडई की सभी गाड़ियों में आता है। आप देख सकते हैं इसमें तो वैसे ही अपने कंपनी खुद ही देती है, बाकी गाड़ियों में हिडन में आपको बता दूँ कैसे। अब जैसे कि अभी तो दिन है, इसमें ऑटो है ना, ऑटो हेडलाइट, तो अभी इसमें दिन में तो चलेगी नहीं। आप देख सकते हैं अभी लाइट बंद है तो इंटीरियर वाली लाइट सभी चलने लग जाती है। अगर हम आप इसका ये डे नाइट वाला सेंसर है, अगर हम इसको कवर कर देंगे, गाड़ी लॉक कर दिया और अभी वो ऑटो पे ही है, उसको हमने कवर कर दिया, अगर हम अब गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ऑन हो जाए। देखिए लाइट्स ऑन हो गई हैं, बाहर भी आप देख सकते हैं लाइट्स ऑन है। अगर हम गाड़ी को लॉक कर देंगे तो वो लाइट बंद हो जाएगी। हमको आपको i20 में दिखाता हूँ, जो मैकना वेरिएंट है उसमें भी आता है। हुंडई i20 है, मैकना वेरिएंट है लाइट, इसमें भी वही सेम फीचर है जो मैंने वरना में दिखाए थे हिडन, बट इसमें ऑटो लाइट नहीं है क्योंकि ये मैकना वेरिएंट है। टॉप में शायद हो, मेरे को पता नहीं है, मैं इसमें भी दिखाऊंगा आपको कि अंदर वाली लाइट दोनों गाड़ी जब लॉक करेंगे बंद हो जाएगी। और फॉलो मी होम लैंप इसमें भी है, वो दिखाऊंगा मैं आपको कैसे काम करता है। और हुंडई वाले भी कम ही बताते हैं, मेरे को लग रहा है बताते नहीं, मैंने तो कहीं पे देखा नहीं है यूट्यूब पे ये वाली वीडियो, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये मैंने अंदर वाली लाइट दोनों ऑन हो गई हैं, ये यहीं से ऑन होती हैं। मैं दिखाऊँगा, अभी लॉक करता हूँ मैं इसको, लॉक कर दिया मैंने, देखना बंद हो जाएगी ये भी जैसे वरना में दिखाई थी। ये देखिए बंद हो गई है, भी इसको अगर हम ऑन भी करेंगे तो भी ऑन नहीं हो रही, अगर हम गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। देखो दोनों ऑन हो गई है। मैं आपको फॉलो मी होम लैम्प दिखाऊंगा कैसे काम करता है। फॉलो मी होम लैम्प फीचर को कैसे एक्टिवेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हमको इग्निशन पे कर देनी है स्विच, ये हमने इग्निशन पे कर दिया, और लाइट्स को ऑन कर देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गाड़ी जब लॉक करते हैं तो सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो वही इसी से काम करेगा ये। मैं आपको दिखाता हूँ, अभी लाइट्स ऑन है, मैंने गाड़ी बंद कर दी है, अभी लाइट्स ऑन है। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर लाइट बंद होगी और हम लाइट्स ऑन करेंगे तो इसकी लाइट्स नहीं चलती, मेन हेडलाइट नहीं चलती, सिर्फ फॉग लैंप चलती हैं और पार्किंग लाइट ही चलती है, फॉग लैंप भी नहीं चलती। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर हम इग्निशन पे कर देंगे तो इसकी दोनों लाइट्स चल जाएंगी। देखिए हाई बीम चल गई है और हमने बंद कर दिए, देख लो अब हाई बीम चल रही है। अगर हम गाड़ी को बंद कर देंगे
तो अपने आप लो बीम पे हो जाएगी। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, की मेरे पास है। ऑन पे अभी भी लाइट देख सकते हैं, लाइट भी चल रही है। अगर हम गाड़ी को लॉक कर देंगे कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगी, अगर हम फिर से लॉक दबाएंगे तो बंद हो जाएगी, बंद हो गई है। अगर हम फॉलो मी होम लाइन फीचर को चलाना है तो अनलॉक बटन को दबाना है। बस हमको करना ये है कि गाड़ी की लाइट्स को ऑन पे छोड़ देना है, जब हम गाड़ी को बंद करेंगे उससे पहले इग्निशन पे ही गाड़ी की लाइट्स को ऑन छोड़ देना है, और जब लाइट बंद करनी होगी तो लॉक वाला बटन दो बार दबा के लाइट बंद हो जाएगी, और अगर ऑन फॉलो मी होम लैंप को चलाना है तो अनलॉक बटन को दबाएंगे और लाइट अपने आप चल जाएगी क्योंकि हमने ऑन पे छोड़ी हुई है।